Hey, what's up guys? My name is Jamchar and you are watching Grand Minds Gaming. तो आज हम दोपहर से खेलेंगे Car for Sale Simulator. तो भाई आप लोगों को याद होगा लास्ट वाली वीडियो के अंदर भाई हम दो तीन सुपरा को एक ही दिन में बेचे थे और भाई हमने एक डॉज भी खरीदी थी और उसके बाद हमने खरीदी भाई एक ये मस्टैंग भाई और यहाँ पर खड़ी है BMW N सीरीज और एक ये गाड़ी भी थी. इसका नाम पता नहीं क्या अजीब सा नाम है बट लेकिन ठीक है. और भाई हमने अपने बजट को पहुंचा दिया था 4 लाख के आसपास ऑलमोस्ट, मतलब 3,83,000. उसके बाद मैंने ये ऑफिस अपडेट किया था, आप देख सकते हो. लास्ट वीडियो नहीं देखिए, जाकर देख लेना, काफ़ी अच्छी है भाई. तो अभी देखो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा सही अपडेट कर दिया है और अभी मेरी स्किल पॉइंट्स देख सकते हो यहाँ पर 162 है. जैसे ही भाई 250 होता है भाई मैं इस बंदे से गाड़ियाँ साफ़ करने लगाने वाला हूँ इनको साफ़ करने के लिए, क्योंकि हमने भाई बहुत गाड़ियाँ साफ़ कर ली है, पक गया हूँ मैं गाड़ी साफ़ कर कर करे. और हाँ, आज मैं कोशिश करूँगा भाई अपने बजट को 6 से 7 लाख पहुँचाने में, वो शायद पहुँच सकता है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है. बाकी देखते हैं कार वगैरह बेचकर कैसे हम पहुँच सकते हैं 6 से 7 लाख. और जितनी जल्दी हम भाई बजट बढ़ाते जाएंगे इस ऑफिस को हम धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएंगे. और यहाँ पर बनाएंगे हम डैमस्टर मोटर्स को बहुत ही ज़्यादा बड़ा, जो कि देखने लायक होगी यहाँ पर भाई बिल्डिंग. ऐसे ही यहाँ पर आसपास में कोई बिल्डिंग होने वाली नहीं है. बाकी हाँ, घर वगैरह भी खरीदेंगे थोड़े दिनों बाद, लेकिन पहले भाई यहाँ पर जो भी हमारा मेहनत है ग्राइंड खत्म नहीं होना चाहिए. तो सफाई लग जाते हैं दोबारा से सफाई करने में. और यहाँ तीनों गाड़ियाँ गंदी पड़ी हैं तो तीनों को साफ़ कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको फटाफट से सेल पे लगाते हुए. ओके, तो गाड़ियां भाई सारी साफ हो गई हैं, जल्दी से इनकी फोटो खींच लेते हैं इससे पहले रात हो जाए भाई, फोटो ना खींच पाए हम. और इनको सेल पर लगा देंगे जल्दी से. एक गाड़ी की फोटो हो गई है सेव, ठीक है. दूसरी गाड़ी है अपनी ये वाली, इसको भी सेव कर देते हैं. तीसरी कार है अपनी डॉज, डॉज क्यों बोलता हूँ मैं इसको बार बार, मस्टैंग है भाई ये, ठीक है. मस्टैंग की भी फोटो खींच ली है, जल्दी से इनको रेट लगा देते हैं ताकि ये कल तक आराम से हमारी बिक जाए. और कल बिल्स वगैरह भी चेक कर लेता हूँ भाई, बिल्स तो अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है. अभी एक हफ्ते बाद बिल जनरेट होंगे दोबारा से, काफ़ी सारा पैसा देना पड़ेगा, आज संडे है भाई. ओके, तो भाई रात हो चुकी है, मैं यहाँ पर इसका रेट लगा देता हूँ मस्टैंग का फटाफट से, ठीक है. फटाफट से इसका रेट लगा देते हैं. फोटो वगैरह कहाँ गई इसकी, मस्टैंग की फोटो लगा दी है. 36 में खरीदी है और एक भी रुपया नहीं लगा इसके अंदर, तो मैं इसको बेचना चाहूँगा 80 के आसपास. ओवर प्राइस कर दिया मैंने इसका, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा. ये BMW N है, BMW 3 N3 थी ये शायद, हाँ मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं है बट ठीक है कोई बात नहीं चलेगा अभी के लिए. और इसकी फ़ोटो कहाँ है भाई, ये रही, ठीक है इसकी फ़ोटो लगा देते हैं फटाफट से. और इसका प्राइस है 36 में, ये भी खरीदी है भाई, देख रहे हो कितनी सही सिमिलर खरीदी हुई हैं गाड़ियाँ. तो 80 का मैं इसको भी बेचूंगा फटाफट से, इसको भी 80 रेट लगा देते हैं. और यहाँ पर ये R7 पता नहीं कौन सी गाड़ी है, नाम ही नहीं समझ आ रहा उसका और ना शक्ल समझ आ रही है कि कौन सी है, ठीक है कोई बात नहीं, उससे हमें कुछ नहीं करना, हमें फोटो वोटो लगाते हैं फटाफट. रुक जाओ, इसकी फोटो कौन सी थी यार. ओके, तो ये वाली कार थी भाई, मिल गई है फाइनली बड़ी देर के बाद भाई, इसकी फोटो मिल पाई है. तो ये हमने खरीदी है 47 की, तो मैं इसको 125 के आसपास बेचूंगा, देखते हैं ये इतने की बिकेगी या नहीं बिकेगी. चलो ठीक है, रात हो चुकी है, फटाफट से ऑफिस बंद करते हैं और घर चलते हैं. भाई तू भी घर चले जाएगा, यहीं खड़ा रहता है दिन भर, 24 घंटे यहीं पर मिलेगा तुम्हें, कहीं नहीं जाता ये. चलो ठीक है, फटाफट घर चलते हैं. और घर नहीं, वो अभी हम कंटेनर में ही रह रहे हैं. बेशक हम 4 लाख रुपये कमा चुके हैं लेकिन अभी भी हम कंटेनर में ही रहते हैं भाई. चलो सो जाते हैं फटाफट से. ओके, तो भाई हमारे बिल्स भी जनरेट हो चुके हैं और अभी हमारा XP पॉइंट्स कितना है, 195. तो आई थिंक आज हम भाई ये जो स्किल पॉइंट है ना अनलॉक कर लेंगे, जिसकी वजह से हम भाई इससे गाड़ियां वगैरह इससे ही साफ करवाएंगे भाई. बहुत हो गया, थक गए हैं भाई, गाड़ियां घिस घिस के हमारे हाथ दर्द हो गए. कोई बात नहीं, अभी के लिए देखो जो यहाँ पर लगा तो दिए मैंने गाड़ियाँ, फटाफट से ऑफिस को ओपन कर देते हैं. अभी देखो ऑफिस कितना सही लग रहा है यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है. वैसे कुछ भी कहो, आज के लिए अनपेड बिल्स हैं तो मैं एक बार बिल्स चेक कर लेता हूँ, बिल भी पे कर देते हैं फटाफट. भाई देखो बिल पे करेंगे तभी वर्कर्स भाई ढंग से काम करेंगे, अगर बिल पे नहीं किए तो भाई लोग काम वगैरह नहीं करेंगे. अभी 23,000 का बिल हो चुका है, एम्प्लॉय का 5 और कार्स का 22,000 रुपये हो चुका है, ऑफिस का 142, ठीक है पे करते हैं फटाफट सारा. बाकी अभी नहीं, ठीक है थोड़ा सा अभी पहले गाड़ी वगैरह बेचते हैं, उसके बाद सोचेंगे लोन के बारे में, ताकि अगर लोन ले लिया तो फिर हम अच्छी गाड़ियाँ और ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं. और भाई ये 47 में खरीदी है, मुझे लग रहा था कि मैंने इस गाड़ी को महंगा खरीदा है पर ये इतने में ही बिक रही है. नहीं निकलो भाई, इतने में थोड़ी बेचने के लिए खरीदी है मैंने, सेम रेट दे रही है वो 47, उससे कम ही दे रही है बल्कि, भाई ऐसा थोड़ी चलता है. ओके, लेकिन भाई यहाँ पर मस्टैंग भी खड़ी है, इसके लिए भी आ जाओ कोई, सारे इसके लिए ही आ रहे हैं भाई. कोई बात नहीं भाई, थोड़ी पॉपुलर कार होगी शायद ये, इसीलिए इसके लिए लोग आ रहे हैं बार बार. 51 दे रहा है तो मैं इसके रेट भाई तेरे से चाहिए मुझे 80, अगर 80 का लेना चाहे तो भाई ले ले, नहीं तो निकल ले यहाँ से, क्योंकि मेरा प्रॉफिट नहीं होगा भाई इसके बाद इसमें. नहीं 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 बेच रहा मैं, निकलो फटाफट यहाँ से भागो. ओके, तो यहाँ पर भी कस्टमर आया है, ये कार लेने आया है BMW N3 को, ठीक है. इसका मैंने 80,000 रेट लगाया है और ये 60, ओ भाई बहुत अच्छे रेट दे रहा है, तो 75 दे दे भाई, ले जा तू भी मजे कर जाके यहाँ से. 36 में खरीदी हुई कार भाई 75 में बिक रही है, भाई साहब बहुत बढ़िया.
चलो ठीक है, मस्टैंग के लिए एक और कस्टमर आ चुका है, ये यहीं से घूम के वहां से भगा दिया मैंने, ये यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये 48 दे रहा है भाई, मस्टैंग इतनी कम की क्यों, 70 तो दे दे यार कम से कम, इतना चाहिए मुझे, अगर इतने दे देगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं बेच रहा मैं तेरे को, भगा दूंगा यहाँ से। चल भाई निकल, तू भी निकल फटाफट से, और इस कार के लिए भाई ज़्यादा ही बंदे आ रहे हैं कुछ, बाकी देखते हैं ये कितने की बेक। अच्छा, इनको कार में TCS भी चाहिए, तो अच्छा मैंने कार को अपडेट नहीं किया है ढंग से, इसलिए इन लोगों को समझ नहीं आ रही है चीज़ें। ठीक है कोई बात नहीं भाई, जो भी है बस यही है, लेना हो लो, नहीं तो निकल लो यहाँ से फटाफट से। इसके दे दो 65, चलो फाइनली 65 दो, ले जाओ इसको। अरे भाई इससे ज़्यादा कम क्या करूँ मैं, थोड़ा वेट करो आप, वैसे 55 सही रेट दे रही है। इससे पूछ लेते हैं भाई ये कितना दे रहा है मेरा भाई, ये लो ब्रो कितने, 40। तू तो निकल ही ले यहाँ से भाई, इतने कम में क्यों, कैसे दे दूँ मैं इसको। चलो ठीक है, ये इसी से डील कर लेते हैं आई थिंक, और रुक जाओ एक मिनट, कोई और कस्टमर आ रहा है क्या इसके लिए, आया आया एक और आया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इससे भी बात कर लेते हैं फटाफट। अगर ये सही रेट दे देगा तो इसको ही दे देंगे हम, आई थिंक दोनों 55 दे रहे हैं, तो मैं इससे बार्गेन करके इसको बोल देता हूँ 65 देने को, अगर ये 65 दे दे तो भाई बहुत ही बेटर डील मिल जाएगी हमें। ओके, तो 65 में बिक गई है हमारी वो कार, बट लेकिन थोड़ी महंगी पड़ गई यार देखा जाए तो, थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ गई है हमें। और ये इसके मस्टैंग के रेट इतने कम क्यों लगा रहे हैं लोग, समझ नहीं आ रहा इतनी कम कीमत होती है क्या मस्टैंग की भाई, कभी जती नहीं समझ रखी इसकी। ओके 60 दे दो, चलो फाइनली लास्ट प्राइस है 60, अगर 60 की बिक गई तो ठीक है, वरना भाई निकल लो यहाँ से फटाफट से, क्योंकि हमारा जो बजट है ना वो फिर से हिल जाएगा। नहीं चाहिए, नहीं, आपको नहीं बेच सकते हम, आप निकल लो यहाँ से ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो हमारा। मैं 36 की खरीदी और सिर्फ 8 के प्रॉफिट पे बेचूंगा, मैं पागल हूँ क्या, मैं यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, वो भी सिर्फ 5-6 हज़ार के पीछे। ठीक है, आज यार मुझे लगता है ना ऑक्शन ओपन है ना ही कार मार्केट प्लेस ओपन है, तो नेबर उड़ जाएंगे इस कार को बेचने के बाद, फटाफट से नेबर उड़ में देखते हैं, कोई अच्छी कार होगी तो वहां से उठा लेंगे एक दो कार्स। ठीक है, तो एक और कस्टमर आ गया है, इससे मैं बात कर लेता हूँ जल्दी से। भाई साहब आप कितने की खरीदना चाहेंगे इस कार को? ओके, ये थोड़े बेटर प्राइस दे रहा है, तो ये शायद ये 62 की ले लेगा भाई, ये मेरे को लगता है जहाँ तक है कि ये 62 में बंदा खरीद सकता है, थोड़ा पैसे वाला लग रहा है, बाकी नहीं यार ये 62 भी नहीं दे रहा है इसके। एक मिनट सर आप रुक जाइए, मैं जरा मैम से बात कर लूँ, मैम आप कितने देना चाहोगे इसके? 48, तो आप भी निकल लो पहले, तो मैं इसी से बात कर लेता हूँ भाई, तू ही खरीद ले, तू 49 तो दे रहा है कम से कम, कोई बंदे इसके इतने भी रेट नहीं दे रहे, 36 की मैंने खरीदी थी, बार्गेन करते हैं आप भाई साहब, इसको दे दीजिए 60, नहीं 60 तो अभी दिया ही नहीं इसने, 57 चलेगा? ठीक है, मेरे को लगता है ये 57 दे देगा भाई, इसके आराम से दे देगा इसके। ठीक है गई, चलो ठीक है, हमारी सारी गाड़ियां बिक चुकी हैं, फटाफट से यहाँ से चलते हैं, और अभी हमारे पास 3,76,000 है, मैंने थोड़ा यार ऑफिस में लगा के थोड़ा ऐसा लग रहा है गलती कर दी है, कंटेनर चलते सो जाते हैं, और कल उठकर भाई दूसरी गाड़ी, मैं सोच रहा हूँ कार मार्केट या ऑक्शन में से गाड़ी खरीदें ताकि थोड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाए। ओके, तो अगली सुबह हो गई है, हमारे कंटेनर भी हरे कलर का कंटेनर कर दिया हमने, अलग से ही दिख रहा है भाई साहब। चलो आज कार मार्केट प्लेस ओपन है, तो मार्केट प्लेस ही चलते हैं सीधा, और कोई अच्छी सी गाड़ी खरीद लेते हैं यार यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ ना इस बार मैं कोई ऐसी गाड़ी खरीदूँ जो एक ही हो लेकिन 3 तक की हो, यहाँ पर भाई लैम्बोर्गिनी खड़ी है, क्लच देखते हैं कितने की है ये, वो 3,46 मांग रहा है भाई, 36 है, वैसे खरीद सकता हूँ मैं इसको, इसके बात करेंगे अभी। एक और खड़ी है भाई, दो लैम्बोर्गिनी खड़ी है यहाँ पर, दूसरे वाली का रेट पूछ लेते हैं, यहाँ पर 475 है, ये 52 किलोमीटर चली हुई है, और ये कितनी चली हुई है, ये 18 किलोमीटर चली हुई है, तो भाई काफ़ी फ़र्क है उसको, तो उससे खरीदने से अच्छा इसको खरीदेंगे। और यहाँ पर एक सुपरा भी खड़ी है, सुपरा भी नहीं ले रहे क्योंकि अभी हमें चाहिए, एक टेस्ला भी खड़ी है, टेस्ला का रेट पूछता हूँ मैं एक बार, रुको। ओके 37 में मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस है टेस्ला का यहाँ पर, और कोई कार तो खरीदने लायक है नहीं वैसे तो, वैसे तो एक ये रेयर कार है, मैं एक बार रेयर कार खरीद के देखता हूँ। ओके ये रेयर कार 96 की मिल रही है, बाकी खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पर ना मैं लैम्बोर्गिनी खरीदना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये वाली ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि ये 18 किलोमीटर चली हुई है, और 1982 मॉडल है, एक मिनट इसका मॉडल क्या है, क्योंकि मॉडल से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ओके 1986 मॉडल है, तो भाई ये ज़्यादा बेटर है, बार्गेन करते हैं इससे, और इसको बोलते हैं हम, इसका प्राइस रखते हैं हम 350, अगर ये 350 की मिल गई ना हमें तो भाई आई थिंक बहुत सही हो जाएगा, लेकिन ये बेचेगी नहीं 350 की, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों। हाँ नहीं भाई ये इतने में तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि रेट यार अभी थोड़े हैं इसके ज़्यादा। इससे पूछ लेते हैं भाई, अगर ये वाली मिल जाए 350 की तो इसको ले लेंगे, रिपेयर वगैरह करा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अभी हमारा बजट ही इतना है भाई 350, इससे ज़्यादा मैं खर्च कर भी नहीं सकता इसके ऊपर। ओके ओके फाइनली भाई हमारे पास आ चुकी है लैम्बोर्गिनी, और 26,000 अभी हमारे पास बचे भी हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ इसके अंदर रिपेयर के लिए क्या क्या है। ओह भाई डैमेज 80% है भाई, तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज है वैसे तो, थोड़ा सा भी नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा हो गया।
बट कोई बात नहीं, चलते हैं इसको रिपेयर कराते हैं। थोड़े $2,000 के आसपास ही लगेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं लगने वाले। फाइनली भाई लैम्बोर्गिनी आ चुकी है हमारे पास, तो अभी हम रेस वगैरह भी कर सकते हैं वैसे अगर पैसा जीतना है तो, लेकिन रेस वगैरह अभी नहीं करते यार। थोड़ा और अच्छी गाड़ियाँ, निसान जीटी वगैरह, जीटी वगैरह आ जाए ना तब मज़ा आएगा, उससे रेस करने में फ़ायदा। अरे 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 अरे, ड्रिफ्ट गई है तो भाई, और डैमेज कर दी मैंने इसको। अरे भाई साहब यार, वैसे लैम्बोर्गिनी इतनी जल्दी पलटती नहीं है, ये पलट कैसे गई समझ नहीं आया मुझे। ओके, पलटने के बाद भाई कार की हालत ऐसी हो गई कि ये चल भी नहीं रही है, तो इसको हमें टो करके ही भेजना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा पैदल इतनी दूर तक। अरे यार ये तो गलत सीन हो गया भाई। यार इसको ये रिपेयर करने के $25,000-30,000 ना मांग ले भाई, दिक्कत हो जाएगी। इतना पैसा कहाँ से लेके आऊंगा मैं, $30,000-40,000 कहाँ से आएंगे भाई। चलो देख लेते हैं, अभी देखते हैं, फटाफट बात करते हैं इससे कि हमारे को ये कितने तक की, मतलब कितने तक की पड़ने वाली है, कि 3,500 हमने दिए हैं उसको, 3,500 में खरीदी है। ठीक है यार, वैसे कोई इतनी बुरी नहीं है। ठीक है यहाँ पर बात करते हैं इससे। ओके, $1,700 लग रहे हैं तो ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, बट लेकिन रिपेयर होने में इसको काफ़ी टाइम लगेगा। जब तक होने देते हैं, थोड़ा सा यहाँ चलते हैं और मैं अपनी स्किल पॉइंट्स देख लेता हूँ। 2-10 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 40 और चाहिए। मतलब मैं 3 से 4 गाड़ियाँ अगर खरीद और बेच दूंगा ना तो हो जाएगा काम। ओके, जब तक गाड़ी रिपेयर हो रही है मैं थोड़ा यहाँ कूड़ा वगैरह बीन लेता हूँ। अरे कुछ नहीं है यहाँ पर भाई, अभी हमारे लैम्बोर्गिनी खरीदे हैं लेकिन अभी भी हमारी हरकतें वही चिंदी चोरों वाली है, अभी भी हम कूड़े ही बीन रहे हैं बताओ। ठीक है अभी देखते हैं भाई कितनी रिपेयर हुई है। अरे अभी तो बहुत टाइम लगेगा, रूफ भी होगी, फ्रंट भी होगा, लेफ्ट डोर भी होगा, ट्रंक भी रिपेयर होना है इसका, राइट डोर भी, लेफ्ट डोर भी, भाई फ्रंट सब बर्बाद हो रखा है इसका। चलो कोई बात नहीं, रिपेयर होने देते हैं और अच्छा सा कलर करेंगे और इस पर रेसिंग किट वगैरह सब लगा के तब बेचेंगे इसको। ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख की बेचेंगे भाई, अगर बिक गई ना उतने की तो भाई मज़े आ जाएंगे कसम से। हमारा जो 6 लाख का जो हमें टारगेट था ना वो हम पूरा कर लेंगे, 6 से 7 का टारगेट रखा है और आई थिंक वो हो भी जाएगा बड़े आराम से अगर ये अच्छे रेट पे बिक गई तो, क्योंकि 4:45 की तो हमें खरीद पड़ रही है तो 6 तक की तो बिकनी चाहिए भाई आराम से। तो यार बहुत ही ज़्यादा देर हो गई अपनी गाड़ी का वेट करते करते कि भाई ये जल्दी से रिपेयर हो जाए और एक बार नीचे उतर जाए, ताकि हम इसको ले जाकर यहाँ पर थोड़ी सी इसके अंदर थोड़े एडवांस फीचर्स डलवा दें और थोड़ा अच्छा सा कलर कर दे कोई यार बढ़िया सा, ताकि ये बिक जाए यार थोड़ी और अच्छी। वैसे वाइट है बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा हमें अच्छी करनी पड़ेगी इसको, तभी मज़ा आएगा चलाने में भी। ठीक है अभी थोड़ी रिपेयर वगैरह हो गई है और गाड़ी में जान वापस से आ चुकी है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आराम से चलाएंगे भाई इसको, इसकी जल्दबाजी करी ना तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे ही चलाने वाला हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे को। ठीक है आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अभी मैंने यहाँ पर लगा दी है अपनी कार और इसको पेंट कर देते हैं हम अच्छा सा। कोई पार्ट्स अगर पेंट करूँगा तो 168 लगने वाले हैं, लेकिन रुक जाओ कोई अच्छा सा कलर करते हैं इस पर। आई थिंक इसका कलर ना थोड़ा ऑरेंजिश होना चाहिए ना, ऑरेंजिश एंड रेडिश थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे ये कलर। ठीक है ठीक है ठीक है, यही रखते हैं इसका कलर। और यहाँ पर पॉलिश में मेटैलिक इसका बढ़ा दूँ क्या? अरे ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, इतना रखते हैं इसको। और स्मूथनेस इसकी कम कर देते हैं थोड़ी, थोड़ी रफ रफ वाला टेक्सचर रखेंगे इसमें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है मेटैलिक बढ़ाते हैं थोड़ा, अभी ठीक है आई थिंक इतना ठीक है, और इसको पॉलिश कर देते हैं हम। ओके फाइनली भाई कलर चेंज कर दिया है, मेरे को यार इसकी नंबर प्लेट चेंज करानी पड़ेगी, ये ब्लू सी अजीब सी दिख रही है वो। चलो आराम आराम से पीछे चलते हैं और इसको यहाँ भी पेंट करते हैं, पेंट नहीं यहाँ पर जो इसके अंदर रेसिंग किट्स वगैरह लगनी है वो सब लगवा देते हैं जल्दी से। तो हाँ जी सर आप बताइए, इसके रेसिंग किट 750, ड्रिफ्ट किट की ज़रूरत नहीं है भाई, वैसे ही इतनी फिसल विसल जाती है दिमाग ख़राब हो जाता है। अनेबल टू इंस्टॉल TCS ऑन दिस कार, ओके इसमें नहीं लग सकता है। तो लाइट्स वगैरह तो इसकी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन और नीचे कर दें क्या इसका? बिल्कुल नीचे कर देते हैं भाई, बहुत सही हो जाएगी फिर, ये थोड़ी स्किट वगैरह कम करेगी। ठीक है इतना ठीक है। यहाँ पर नंबर प्लेट इसकी मैं ब्लू से ना थोड़ी अच्छी सी लगाते हैं कुछ, ये वाली ठीक लग रही है। हाँ ये नंबर प्लेट ठीक है, अपडेट कर देते हैं इसको। और सस्पेंशन इसके नॉर्मली रखेंगे, किट लगा दी है। व्हील्स व्हील्स इसके अंदर कुछ अच्छे से लगाते हैं यार, ये बोरिंग से नकली से व्हील नहीं अच्छे नहीं लग रहे। ओके ये भी अच्छे नहीं है वैसे तो, ये आई थिंक ये या ये भी नहीं है। अरे यार अच्छे से व्हील नहीं मिल रहे यार इसके लिए। आई थिंक ये वाले व्हील काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, $5,000 के हैं, मैं लगवा देता हूँ अभी के लिए। इस कार को एकदम ज़बरदस्त बना के बेचेंगे और भाई इससे प्रॉफिट भी अच्छा कमाएंगे हम, ऐसी बात नहीं है कि हम इसमें बस लगाए जा रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा कमाएंगे इससे हम भाई। वो तो गाड़ी यहाँ पर लगा दी है, फटाफट से इसको साफ कर देते, थोड़ी सी गंदी है, ज़्यादा गंदी भी नहीं है ये, फटाफट फटाफट इसको निपटाते हैं साफ करके और इसको जल्दी से लगा देते हैं सेल पर। और वैसे भी 7 बज चुके हैं भाई, वैसे ही रात हो गई है तो देखते हैं कल तक ये बिक पाएगी, आज तो बिकने से रही क्योंकि भाई रात हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा, बट ठीक है कोई बात नहीं अभी
हमारे स्किल पॉइंट कितने हो चुके हैं मेरे को यार, स्किल पॉइंट्स की ज़्यादा चिंता हो रही है पता नहीं क्यों, क्योंकि जल्दी से जल्दी अनलॉक हो जाए ना, इसके बाद मुझे साफ़ नहीं करना पड़ेगी भाई। सबसे ज़्यादा काम मेरे को यही लग रहा है कि ये बंदा खड़ा रहता है और मैं यार साफ़ करता हूँ गाड़ी को रोज़ रोज़। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसकी फ़ोटो खींचते हैं जल्दी से टैब पे और एक अच्छी सी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं इसकी कुछ इस तरीके से। यहाँ से बहुत ही बढ़िया फ़ोटो आई है, ठीक है जल्दी से अपलोड करते हैं इसको। लैम्बोर्गिनी क्लच, क्लच है ये तो हम सीधा लैम्बो लिखेंगे इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो ऐड कर देते हैं ये वाली, और इसका रेट रखूँगा मैं 7 लाख मैं डबल पे बेचूंगा भाई इसको, ठीक है। फाइनली मैंने इसका प्राइस वगैरह सेट कर दिया है और रात हो चुकी है, तो जल्दी से चलते हैं, सो जाते हैं चलकर, ताकि भाई आराम से कल आकर इसको हम आराम से बेच पाएँ और कंटेनर चलते हैं फटाफट से। ओके अगली सुबह हो गई है एकदम बढ़िया सी और जल्दी से ऑफिस चलते हैं। मैं ऑफिस बंद करना भूल गया भाई, सीधा मैं यहाँ पर आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, ऑफिस चलते हैं फटाफट। अरे ऑफिस बंद ही पड़ा है यार, ओपन करना था। चलो ठीक है अभी ओपन कर दिया है, और यहाँ पर आज खुला है कार ऑक्शन, शायद वहाँ पर कोई अच्छी सी कार मिल जाए। इसको बेचने के बाद मेरे को लगता है हमारे पास काफ़ी पैसा आ जाएगा, जो कि हम कार ऑक्शन में जाकर इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हम एक अच्छी सी कार खरीद पाएँ अपने लिए। बाकी अभी यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं आया, थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ। और इस कार को देखो भाई क्या जबरदस्त लग रही है, बस पुराना मॉडल है लैम्बोर्गिनी का। यार लैम्बोर्गिनी के नए मॉडल डालने चाहिए इन डेवलपर्स को, जो नई नई जितनी भी उरूस वगैरह है ना, ये सारी भी सारी आनी चाहिए इसमें, सियान, लैम्बोर्गिनी सियान वगैरह जितनी भी कार्स हैं इन सबको डालें ना, तब मजा आए भाई साहब। और काफ़ी सारे जो फरारी के मॉडल हैं वो भी आने चाहिए, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी अभी ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, बस ये थोड़ा पुराना मॉडल है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी कोई कस्टमर आया नहीं है इसके लिए, मैंने इसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही रख दिया, इसलिए ऐसा ऐसा इसीलिए नहीं आ रहेगा कोई भी, पता नहीं भाई, देखते हैं थोड़ा वेट कर लेते हैं शायद कोई आ ही जाए। तो भाई जब तक कोई कस्टमर नहीं आ रहा तब तक मैं यहाँ गया हूँ भाई कूड़ा कचड़ा बीनने के लिए कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन अब ये काम तो हम नहीं छोड़ सकते, ये हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई। इससे हमें थोड़ा $60 मिलते हैं यार फोकट के, बहुत अच्छे हैं। जबकि ये बंदा उठा के सारा फेंक सकता है, लेकिन बेच सकता है, लेकिन खुद नहीं बेचेगा, ये हमारा वेट करता है कि हम जाएं और हम बेचें। तो कोई बात नहीं, ओके शायद कोई कस्टमर, ओ भाई अभी तो कोई कस्टमर नहीं आया, काफ़ी देर हो गई है भाई इस पे। ओके चलो एक कस्टमर तो आ गया है, चलो इससे बात करते हैं। ये पता नहीं भाई कितने की खरीदेगा, देख ले भाई अच्छे से। ओके दो कस्टमर आ चुके हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम जी आप खरीद पाएंगे, आप लैम्बोर्गिनी चलाएंगे, आप रहने दो, आप नहीं चला पाओगे। ओके अभी 6:71 देने को तैयार है, मतलब ये रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी थोड़ी देर में मैम आपसे बात करता हूँ मैं, एक बार रुको, इन भाई साहब से बात करें जरा, ये कितने दे रहे हैं इसके, 672। तो मुझे लगता है मैंने इसका प्राइस थोड़ा गलत रख दिया है, बाकी मैं इसका प्राइस रखूँगा चलो 690, इतना चलेगा, इतने में ले लो भाई, ठीक है थोड़ा सा कम कर दिया मैंने। अरे भाई साहब मेरा बजट 7 लाख हो गया, जो आज का टारगेट था वो हमने भाई अचीव कर लिया है, अभी आप देख सकते हो 7 हो चुका है हमारा बजट, बहुत बढ़िया यार। अब हम कोई सी भी अच्छी सी कार ऑक्शन से गाड़ी खरीद सकते हैं, नेबरहुड चलते हैं, शायद यहाँ पर कोई अच्छी सी सुपर कार मिल गई तो खरीद लेंगे, वरना नहीं भाई ये छोटी मोटी कार है, अब हम कहाँ खरीदेंगे। हमारे पास $7 लाख हैं भाई, हमने 7,500 से शुरुआत करी थी और आज हमारे पास हैं $7 लाख। जल्दी से जाकर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, कमेंट कर दो कि आगे में और कौन कौन सी गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए इसके अंदर, तो जल्दी से जाओ फटाफट कमेंट वगैरह करो। ये कौन सी गाड़ी है भाई, ना 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 ना, इन सबको हम खरीदेंगे ही नहीं भाई, अब हम बड़े आदमी हो चुके हैं, अब हमें नहीं खरीदेंगे ये छोटी मोटी गाड़ियाँ, कौन खरीदेगा भाई। और यहाँ पर ना नेबरहुड में आजकल ना कुछ ढंग की गाड़ियाँ आ भी नहीं रही हैं, देख रहे हो कैसी कैसी कबाड़ सी गाड़ियाँ हैं, सस्ती सस्ती सी 2,000 3,000। ओके ये थोड़ी यूनिक सी लग रही है भाई लैम्बोर्गिनी, ये BMW का कोई मॉडल है Z3A, ठीक है 22 की है, इतनी सस्ती गाड़ी क्यों खरीदूंगा मैं, ठीक है अभी रुक जाओ थोड़ा वेट करते हैं देखते हैं। बाकी ये 22 की थी तो बुरी नहीं थी वैसे, अगर इसको हम खरीद लें और बाद में बेच दें, लेकिन ये बिकेगी बहुत कम यार, BMW की गाड़ियाँ इतनी कम की पता नहीं क्यों बिक रही हैं, समझ नहीं आ रहा इसके अंदर। बाकी यहाँ कोई भी ढंग की गाड़ी नहीं है, तो फटाफट से हम चलते हैं सीधा, यहाँ से निकल ही लेते हैं वही बढ़िया है। ये गाड़ी सही लग रही है 22 की, मैं सोच रहा हूँ एक खरीद लेते हैं, बाकी देखते हैं कितने की बिकेगी उसके बाद देख लेंगे। फटाफट से एक बार बात कर लेता हूँ मैं इससे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी कार ऑक्शन का टाइम अभी है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको खरीद ही लेते हैं वही ज़्यादा अच्छा है। ओके बारगेन करते हैं, आई थिंक ये मुझे 15 की दे दे भाई, अगर 15 की दे देगा तो अभी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 15 की नहीं दी इसने तो, 18 ले लो भाई, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं इसके, ठीक है ना फाइनल प्राइस है ये, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। फाइनली ये वाली गाड़ी भी हमने ले ली है,
तो इसको मैं देख लेता हूँ इसके अंदर रिपेयर करने के लिए भी है क्या क्या। ठीक है, डैमेज बहुत कम है, पेंट कराना है और थोड़ी गंदी है, वो ठीक करा लेंगे, सारी चीज़ें बाद में हो जाएंगी। इसको मैं भेज देता हूँ सीधा वर्कशॉप पे। ठीक है, चलो फटाफट से चलते हैं सीधा कार ऑक्शन के लिए, एक बार इसको रिपेयर वगैरह पे डाल देते हैं। जब तक ये रिपेयर होगी तब तक हम कार ऑक्शन जाकर कोई अच्छी सी गाड़ी खरीद लेंगे। कार ऑक्शन में गाड़ियाँ वैसे भी एकदम अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं, तो वहाँ रिपेयर वगैरह कराने का कोई झंझट ही नहीं है भाई, बहुत आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी हमारे पास लेकिन $7 लाख हैं यार। अब कार ऑक्शन में ऐसा हो सकता है कि मैं कोई सी भी गाड़ी खरीद सकता हूँ अभी तो। और ये कौन सी गाड़ी है, काफ़ी सही सी लग रही है, डॉज सी लग रही है क्या? हाँ डॉज है। नहीं, अब नहीं खरीदने की भाई, किराया खर्च करके कंटेनर पे चला गया भाई, जाना ऑफिस था मुझे, क्या कर रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, अभी भी देखो यहाँ पर एक बज चुका है ऑलमोस्ट। चलो फटाफट से चलकर यहाँ पर इस कार को रिपेयर वगैरह करा देते हैं जल्दी से, थोड़ी सी रिपेयर होनी है, बाकी पेंट वगैरह थोड़ा ख़राब है, पेंट वगैरह करा लेंगे और इसको जल्दी से भेज देते हैं, जितना जल्दी हो सके रिपेयर करो भाई इसको फटाफट। ठीक है, अभी ये रिपेयर कर रहा है इसको और काफ़ी जल्दी रिपेयर हो जाएगी भाई, आई थिंक ये मेरे को लगता है थोड़ी बहुत देर में रिपेयर हो जाएगी, तो जल्दी से इसको लेकर निकल लेंगे हम। ओके देखो गाड़ी रिपेयर भी हो चुकी है, क्योंकि थी इसके अंदर बहुत छोटी सी दिक्कत थी, वो हो चुकी है। ठीक, चलो एंटर करते हैं और फटाफट से चलते हैं। भाई साहब जी से पूछ लेते हैं, इसमें रेसिंग किट लगवानी चाहिए? लगवा देते हैं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एक ही चीज़ लगनी थी इसमें, बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से पेंट भी करा लेता हूँ मैं, 3 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। अरे 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 भाई क्या ड्रामा है ये स्पॉन क्यों हो रही है भाई? ये चीज़ भी ठीक करनी चाहिए यार डेवलपर्स को, क्या चल रहा है ये भाई, अचानक से स्पॉन हो गई और मेरी गाड़ी टूट गई भाई जाकर। कोई बात नहीं, चलो फटाफट से इससे बोलते हैं, इससे पेंट में क्या दिक्कत है, पार्ट्स पेंट और पार्ट्स तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं भाई, तो इसको कलर ही कर देते हैं, इससे तो अच्छा वही ज़्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा सा ग्रीन ब्लूइश स्टोन दे देते हैं इसके अंदर, काफ़ी सही लगेगी वैसे, हल्का सा ब्लूइश टिंट पेंट। ठीक है चलेगा, इतना ठीक है। अभी फटाफट से इसको रिपेयर भी कराऊं क्या मैं, क्योंकि भाई कार ऑक्शन का टाइम हो चुका है, मैं चलता हूँ फटाफट, पहले कार ऑक्शन ही चलते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। और ये भी सही लग रही है BMW की कार, ये पर्सनली रख लेंगे अपने लिए थोड़ा बहुत इधर उधर जाने के लिए आसपास। कंट्रोल ठीक है इसका, बुरा नहीं है, तो ड्रिफ्ट वगैरह भी नहीं कर रही है ज़्यादा, तो ठीक है। फटाफट चल के एक टिकट ले लेते हैं, और यहाँ पहली कार भाई आ चुकी है और ये फुल हो चुका है भाई, नहीं यहाँ पर है सीट। ठीक है यार, ये गंदी सी कार आ गई है, टॉजार पिकअप। तो फाइनली भाई ये एक मैंने कोड़ा कैरियर ले लिया, 2023 मॉडल था, काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल था इसलिए मैंने खरीद ली, बाकी खरीदने का मन नहीं था। ओके यहाँ पर क्रिया की कार्निवल आ गई है भाई साहब, नई गाड़ी ऐड करी है मुझे लग रहा है, 2015 मॉडल है, 5,000 चली हुई है और भाई कुछ भी डैमेज नहीं है, कुछ भी रिपेयर नहीं कराना है इसमें, एकदम सही कंडीशन है। बाकी सोच रहा हूँ मैं इसको खरीद लूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार कोई अगर अगली कार काफ़ी महंगी आ गई ना तो उसको खरीदने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी कितना तक जाएगा इसका रेट, अगर इसका रेट ना 45 से अंदर रहा तो मैं इसको ले लूँगा, वरना नहीं लूँगा मैं, मेरे को लगता है कि 45 से ज़्यादा जाएगी भी नहीं। ओके इसका प्राइस अभी 43 पहुँच चुका है, ऑलमोस्ट 44 पहुँच चुका है, और मुझे लगता है अभी बेट बढ़ेगी फिर से। हाँ ठीक है भाई, ज़्यादा जा चुका है, अब ये ओवर प्राइस हो चुकी है भाई, इतने ज़्यादा नहीं खरीद सकते भाई इसको, 50, 60, 46 चला गया है, आई थिंक ये लास्ट है इसका, मेरे को लगता है इसके बाद नहीं है इससे ज़्यादा इसका प्राइस। अरे भाई 48 तक जा रहा है, क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ, मैं नहीं ले रहा इसको, 48 तक तो नहीं लूँगा। ओके फाइनली यहाँ पर आ गई है, ओ भाई साहब ये कौन सी गाड़ी है, निशान, अच्छा निशान है भाई, निशान लिखा हुआ है निशान, अबे 4 से इसकी बोली स्टार्ट हुई है भाई। भाई ये खरीद पाएंगे हम या नहीं खरीद पाएंगे, आई थिंक नहीं खरीद पाएंगे भाई, बजट से ऊपर चली जाएगी। शेट 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 यार, मुझे वो कार नहीं खरीदनी चाहिए थी, मेरे 7 लाख बजट था मेरे पास, मैं आराम से इसको करा सकता था। ठीक है कोई बात नहीं, वेट करते हैं थोड़ा, देखते हैं इसका रेट क्या जा रहा है अभी। मैं इसको इतना बढ़ा देता हूँ 8, मैं छोटी छोटी बिट लगाऊंगा, अगर ये इतने में मिल जाएगी तो ठीक है। और आई थिंक ये मेरी हो गई अब, फाइनली मुझे लग रहा है ये मेरी हो गई है, 5,65 में। अरे भाई कौन है ये, मैं भी लगा दूंगा, मेरे पास जितना पैसा सारा लगा दूंगा इसको खरीदने के लिए भाई, कुछ भी हो जाए। 6 तक पहुंच चुका है इसका बजट, ठीक है मैंने और बढ़ा दिया है, 8 और बढ़ा दिए हैं, फाइनली शायद ये हमारी हो गई है। ओके गाइस, ओके आई थिंक 6 में हमने भाई निसान N3 कुछ करके नाम था, पता नहीं भाई क्या नाम था उस गाड़ी का, बट हमने खरीद ली है, 2-3 गाड़ियां हमारे पास हो चुकी हैं फिर से इसको। चलो फटाफट से इसको भी रिपेयर पे भेज देते हैं और चलकर फटाफट से सो जाते हैं एक बार जाकर, और कल भाई इस गाड़ी को हम सेल पे लगाएंगे, बाकी अभी हम फटाफट चलकर सो जाते हैं। अरे यार मैं गाड़ी लेकर ही आ सकता था वैसे, ठीक है अभी कोई बात नहीं, छोड़ते हैं चलते हैं फटाफट से। ओके स्किल पॉइंट भी अनलॉक हो चुका है हमारा, तो अभी हम गाड़ी वगैरह धोने का काम ना उससे करवाएंगे, अब हम नहीं करेंगे भाई, शायद वो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही कह रहा था लेकिन बट ऐसा हुआ नहीं, एंड में आके भाई मुझे ही साफ करनी पड़ रही थी क्योंकि और पॉइंट्स की जरूरत पड़ गई। चलो फटाफट से सो जाते हैं
और भाई हमारे पास बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली कार आ चुकी है, 6 लाख की कार हमने खरीदी है। तो आई थिंक मैं उसको ना भाई कम से कम नहीं तो 12 तक का तो बेचने की कोशिश करूंगा भाई। पता नहीं भाई, उतना अमाउंट लिखना भी नहीं आता, मैं तो इतना ज़्यादा पहुंच गया है वो रेट। पता नहीं कैसे होगा। बाकी पहले ना स्किल पॉइंट अनलॉक करते हैं अपना। ओके, तो अभी मैं ये वाला स्किल पॉइंट अनलॉक कर सकता हूँ, तो फटाफट से पहले इसको ही अनलॉक करते हैं। अब ये शायद हमारी ना एम्प्लॉय स्टार्ट्स वॉशिंग योर कार्स, यही मेरे को लगता है काफ़ी सही काम करेगा। चलो ठीक है, अभी मेरे को ये थोड़ा निसान GTR थोड़ी सी डैमेज थी, तो इसको रिपेयर के लिए भेजना होगा। और जो अपनी ये जो कोडा करियर कोडिया कोडा ली है मैंने, या कौन सी ली है, जो भी ली है मैंने, ठीक है। बाकी अभी देख लेते हैं इसको कितनी डैमेज है, थोड़ी सी डैमेज है, इसको रिपेयर के लिए भेज देते हैं एक बार फटाफट से। चलो ठीक है, स्लॉट भी खाली था तो जल्दी से भेज दिया मैंने। अभी फटाफट इसको बैठ कर इसको लेकर चलते हैं सेल के लिए, लगा देते हैं इसको चल के। ये आई थिंक बिल्कुल सही कार है, और ये XUV बहुत अच्छी लग रही है ऐसे। यार इसका कंट्रोल थोड़ा अजीब से लग रहे हैं, बाकी कार ठीक है ये भाई, अच्छी बग रही है। चलो इसको सेल पर लगाते हैं फटाफट से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ पर। ठीक है, तो पहली कार हमने एक लगा दी, और भाई ये बंदा सफाई में लग चुका है अपनी, और अब बढ़िया हो गया ना काम भाई। अब ये थोड़ा साफ ऑफ करेगा तो हमारा फायदा है भाई इससे, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। हम भाई फालतू में लगे रहते हैं उनको घिसने में, गाड़ियों को, लेकिन अभी हमें घिसने वाले काम नहीं करने, अब बढ़िया काम हो गया हमारा। ठीक है, चल भाई इसको रिपेयर कर फटाफट से, थोड़ी सी डैमेज है अभी ठीक हो जाएगी फटाफट। तू इसको रिपेयर कर भाई जल्दी से फटाफट, दोनों गाड़ियाँ रिपेयर करो। ये वाली एकदम रेडी है, इसको सीधा सेल पे लगाऊंगा जाके। ऑक्शन 3 बजे दोबारा खुलेगा आई थिंक, तो 3 बजे नहीं, आज दोबारा अलग ऑक्शन है, तो कोशिश करते हैं ये तीनों गाड़ियां बेच दें, उसके बाद हम कोई अच्छी सी गाड़ी दोबारा से ऑक्शन से खरीद के लाएंगे, महंगी वाली, बढ़िया वाली। और निसान की GT भाई, GT है शायद ये, N3 पता नहीं कौन सा अलग मॉडल है कोई, पता नहीं। बाकी ठीक है, चलो फटाफट से इसको लेकर चलते हैं रिपेयर के लिए। रिपेयर तो हो चुकी है, सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं, बस गंदी है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये इसको मैं लेकर आ चुका हूँ एकदम सही तरीके से, यहाँ पर खड़ी कर देते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से खड़ी करेंगे ठीक है, ताकि ठुक वुक ना जाए। और इसका इंजन बंद करके उतर जाते हैं फटाफट। चल भाई इसको भी साफ़ कर दे, और ये इसने साफ़ कर दिया, जब तक मैं इसको लगा दूँ क्या सेल पर, क्योंकि अभी हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, निसान GT को थोड़ा काम कराना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, अभी फ़ोटो खींचते हैं इसकी जल्दी से। ठीक है, फ़ोटो खींच लिया, फटाफट से इसको सेल पर मैं लगा देता हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास है कोडा कैरियर, तो इसको हम कोडा ही लिख देते हैं। वैसे तो स्कोडा नाम होना चाहिए इसका, लेकिन कोडा आ रहा है, लेकिन हम कोडा ही लिखेंगे ठीक है। और ये वाइट कलर की कार थी, तो कहाँ गई इसकी फ़ोटो, ये रही। ठीक है, फ़ोटो लगा दिए, 27 की खरीदी है, आई थिंक ये 50 की बिक जानी चाहिए, तो बेच देंगे जितने की बिकेगी, फटाफट इसको बेचेंगे जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, और ये भी इसने साफ़ कर दी है गाड़ी एकदम, और साफ़ करने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी थोड़ी बहुत गंदी है, चेक कर लेते हैं कितनी गंदी है। ओके, 10% गंदी है, वो भी अभी साफ़ होने ही वाली है थोड़ी बहुत देर में। ठीक है, इसको साफ़ करने देते हैं जल्दी से, हम चलते हैं फटाफट से अपनी। ओके, साफ़ हो गई है फटाफट, इसकी फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ मैं, BMW की भी, काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी भाई। ठीक है, फाइनली फ़ोटो वगैरह क्लिक कर ली है, जल्दी से इसका रेट लगा देते हैं वेब पेज पर जाकर, जल्दी लोड हो जा पेज, थोड़ा नेट कभी कभी स्लो चलता है। BMW Z3A, तो Z3A लिख देते हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे, Z3A। ठीक है, फाइनली हमने प्राइस, अरे नाम इसका कैपिटल में क्यों नहीं आ रहा, Z3A। ठीक है, अब ठीक है, फ़ोटो लगाते हैं जल्दी से, इसकी फ़ोटो ये रही, और 18 मतलब 20 के आसपास पड़ गई हमें, तो 50 इसके भी दे दो यार, देखते हैं कितने की बिकेगी, ओवर प्राइस कर देता हूँ मैं बाकी। ठीक है अभी के लिए, अरे दो कस्टमर आ भी चुके हैं, इनसे बाद में बात करते हैं, जाओ अभी तुम निकल लो यहाँ से, या बेच ही दें पहले फटाफट, क्योंकि अभी 3 बजने वाले हैं भाई, कार ऑक्शन भी खुल जाएगा तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। तो हाँ जी मैडम, आप कितने खरीदोगे इसको, अगर ये प्रॉफिटेबल। ओके, फाइनली इसने बहुत अच्छा रेट दिया है, तो 49 ले जाओ भाई, फाइनली ले जाओ इसको, ख़त्म करो। ओके चलो भाई, पहली गाड़ी हमने बेच दिया सीधा सीधा 20 से 30 हज़ार के प्रॉफिट पर, और अगली कार के पास चलते हैं फटाफट से। तो इस कार का नाम है निसान GT3, GT3 है वैसे, ये GR गलत नाम लिखते हैं ये हमेशा, बाकी ये GT3 है भाई, तो बहुत अच्छी। अबे क्या हो रहा है यार, इस गेम के ग्लिचेस नहीं खत्म हो रहे हैं। अच्छा, इसका स्टीयरिंग इस तरफ है भाई, ये क्या सीन है। अच्छा, तभी मैं बैठ नहीं पा रहा था इसमें, ये बात। ओके, इसकी साउंड काफी अलग है, थोड़ी यूनिक साउंड है इसकी भाई, पतली सी आवाज आ रही है पता नहीं क्यों। अरे भाई ड्रिफ्ट बहुत हो रही है, तो कंट्रोल से बाहर है, इसको तो बेचना ही बेचना पड़ेगा भाई, इसको रख के कोई फायदा नहीं हमारे पास। चलो फाइनली इसका फटाफट से कलर करवा लेते हैं इसके अंदर, आई थिंक इसको हम कराते हैं
सियान कलर कैसा रहेगा? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं इसके कलर्स इतने कर चुका हूँ ना कि अब मुझे कलर समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा कलर करें। ये कलर थोड़ा यूनिक लग रहा है कार का, ये ठीक है, आई थिंक ये कलर करना चाहिए हमको, काफ़ी बेटर लग रहा है। फटाफट बैठते हैं गाड़ी के अंदर और जल्दी से इसके अंदर, तो जल्दी से भैया जी इसके अंदर रेसिंग किट डाल दीजिए और ड्रिफ्ट किट नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है। ये ESP डलवा लेते हैं, टर्बो और ये NOS, तीनों चीज़ें हमने इसमें डलवा ली हैं। नंबर प्लेट ओके है, आई थिंक कैलिफोर्निया वाली ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो ये भी करा देते हैं। चलो ठीक है, गाड़ी एकदम रेडी है, फटाफट से चलते हैं इसको चलाकर। ओके, कार ऑक्शन का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है भाई, तो जल्दी से इसको एक बार सेल पर लगा देता हूँ मैं। सेल पर नहीं, इसको लेकर चलें क्या कार ऑक्शन सीधा? अरे बट लेकिन यार इनको सेल करने के बाद ही कार ऑक्शन जा पाऊंगा मैं, ऐसे तो नहीं बेच सकता भाई, जा सकता, कोई फायदा नहीं होगा। तो जल्दी से इसकी फोटो खींच के ना एक बार, रुक जाओ, इसको पहले इसको भेजते हैं यहाँ पर, फिर सारे कस्टमर इसके लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर भाई। 50 का रेट लगाया मैंने, देखते हैं कितने की बिकती है। ओके 39, डोंट सेल, तुम निकलो फटाफट। मुझे ऐसा लग रहा है इसने सही रेट लगाए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने दी नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं, औरों से बात कर लेते हैं। आप भी निकलो, 27 वाले भैया जी, और वो 29 दे रही थी, मैंने उसको भगा दिया, ये 24 है, तो आप भी निकल लो यहाँ से। और आप क्या रेट देने वाले हो इसके? आई थिंक 50 मैंने लगा रखे हैं और ये 26। एक मिनट बार्गेन करता हूँ, इसको 33 दे दो, अगर 33 मिल जाते हैं तो ठीक है, बुरे नहीं है 33 में। अरे थोड़ा और कम कराना है इसको, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, और कस्टमर आ रहे हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। हाँ जी मैम, आप कितने की खरीदना चाहेंगे इस गाड़ी को? मैंने फाइनली 26 रेट लगा दिया है इन्होंने। रुक जाओ यार, ये वाली नहीं थी वो, ये थी शायद, इससे पूछते हैं, रुको। ओके 27 ही दे रहे हैं भाई ये सब, तो 32 और ले जाओ यार इसको, 32 दे दो, चलो फाइनली लास्ट प्राइस 32 दे दो और ले जाओ इसको, खत्म करो। ठीक है फाइनली ये तो बिक गई है, और इसकी भी फोटो जल्दी से डाल देता हूँ मैं। और कार ऑक्शन यार फिर से खुल चुका है, और अभी भी टाइम है वैसे हमारे पास, फटाफट से फोटो सेव, जल्दी से अपलोड करते हैं। GTR लिख देते हैं, GT3 लिख देते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। GT3 फोटो, पर्पल 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 ये री, और इसका प्राइस रखेंगे हम 12 लाख। ओके तो मैंने इस गाड़ी का प्राइस रख दिया है 12 लाख, अगर ये बिक गई ना तो भाई साहब कुछ भी खरीदने के लिए हमारे पास पैसा आ जाएगा। और कार ऑक्शन ऑलमोस्ट बंद होने वाला है भाई, 3 बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं भाई, सारी गाड़ियाँ खत्म हो गई होंगी वहाँ पर। देखते हैं भाई फाइनली कितने की बिकेगी, और मैं एक बार जाकर देखूँ अभी कौन सी गाड़ी खुली हुई है यहाँ पर। आई थिंक सेकेंड या फर्स्ट है, सेकेंड कार चल रही है अभी। अरे हाँ सेकेंड कार चल रही है अभी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके लिए अभी भी कोई कस्टमर आ जाए ना, तो मैं जल्दी से बेच कर जाकर फटाफट से ना एक बार उसको ले लूँगा जाकर। और अभी निसान GT आप नहीं देख रहे हो, तगड़ी लग रही है भाई यहाँ पर, खतरनाक चीज़ लग रही है, बढ़िया वाली। आई थिंक यार वो मिस हो गया इस बार का ऑप्शन, हम नहीं जा पाएंगे ऑप्शन में। निसान GT यार, GT3 है ये, आराम से आप खरीद सकते हैं, 12 मैंने लगा दिया है, 8.95 मिल रहे हैं भाई साहब। तो मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए क्या और कस्टमर्स का? बार्गेन करते हैं और इसको बोलते हैं 10 दे दे भाई, आई थिंक इतने में अगर ये खरीद ले। ओके ओके, तो फाइनली हमारा बजट जो है भाई 11 लाख रुपए पहुंच चुका है। ओके तो फाइनली भाई हमारा बजट जो है ना 11,29,000 पहुंच चुका है। बस हम सोच रहे थे कि भाई 30-40 तक पहुंच जाएगा, 30-40 नहीं, 7 से 8 लाख, 6 से 7 लाख पहुंच सोच रखा था हमने, लेकिन भाई यहाँ पर अलग ही रेट पहुंच चुके हैं। और यहाँ कार ऑक्शन यार बंद हो चुका है भाई, लेट हो गए हम थोड़ा सा आते आते, बाकी यहाँ सारी कारें बिक चुकी हैं और कोई भी ढंग की कार नहीं थी भाई। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, यहाँ पर ऑफिस अपना ओपन पड़ा हुआ है अभी, मैं सोच रहा हूँ, और 7 बज गए हैं, घर चलते हैं, सो जाते हैं, कल उठेंगे और देखते हैं कल कार मार्केट या कुछ भी खुला होगा तो वहाँ से कोई गाड़ी खरीदेंगे। तो फाइनली भाई हमारे पास इतना पैसा आ चुका है कि भाई हम आराम से जाकर ना घर भी ले सकते हैं और अच्छी अच्छी कार भी खरीद सकते हैं। अभी हम सुपर कार्स की लाइन लगा सकते हैं भाई, लाइन तो नहीं, 2-3 तो सुपर कार आएंगी, क्योंकि भाई GTR ही इतनी महंगी बिकी है। GT3, GTR में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, बाकी GTR भी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं शायद बार बार GTR बोल रहा हूँ। चलो फटाफट से यार मार्केट प्लेस पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर एक डॉज खड़ी है, डॉज नहीं मस्टैंग है यार, ये मस्टैंग नहीं लूँगा मैं भाई, बहुत कम की बिकती है यार, मज़ा नहीं आता इसको बेचने में, काफ़ी टाइम लगता है। और ये कोई रेयर कार लग रही है, बक रेजर, देखते हैं ये कितने की है, 84 की है, बाकी ठीक है, एक्सपेंसिव कार है थोड़ी। और ये रही रेयर कार वो वाली, मैं देखता हूँ अभी और कार्स देख लेता हूँ, ये डॉज है, ये नहीं चाहिए मुझे, बेकार है भी। और यहाँ पर ये वो मर्सिडीज़ है, हाँ मर्सिडीज़ है ये, वही वाली क्यूपे है वो, अच्छे। अबे यार एक भी ढंग की गाड़ियाँ नहीं आई हैं यार इस बार, क्या सीन है ये? चलो ये रेयर कार पूछ लेता हूँ एक बार, रेयर कार खरीद लेते हैं अगर ये सही रेट पर मिल जाती है तो।
ठीक है, अभी इससे पूछते हैं, ये चली हुई भी काफ़ी है और पुरानी भी काफ़ी है, तो 52 में मिल रही है, बाकी ये शायद 1 लाख के आसपास नहीं थी, ऐसा कुछ रेट था इसका शायद। ठीक है 40 लगा देते हैं, अगर ये 40 मिल जाए तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है 40 में। आई थिंक नहीं मिली भाई, ठीक है तो इसका 45 रेट कर देते हैं। इसने कितना रेट रखा था, 52 मांग रही है भाई, तो ठीक है 45 में शायद दे दे इतने में, ठीक है इसके लिए। ओके फाइनली तो ये रेयर कार भी हमने खरीद ली है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है, तो डैमेज है थोड़ी सी, ठीक है इसको रिपेयर के लिए भेज देते हैं फटाफट। और यहाँ पर और कोई कार तो नहीं है भाई, मैं तो सीधा जा रहा हूँ यहाँ से नेबरहुड, शायद वहाँ पर कोई अच्छी सी एक आधी और कार मिल जाए तो उसको भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे शायद बिल्स वगैरह भी जनरेट हो गए होंगे आई थिंक, पता नहीं क्या सीन चल रहा है, वो देख लेंगे बाद में। ओके तो अभी फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ पर नेबरहुड में, और नेबरहुड में यहाँ पर कोई कार तो अभी ठीक ठाक, पता नहीं नेबरहुड में क्या है यार, कोई भी ढंग की कार नहीं मिलती है, सुपरा वगैरह फिर भी मिल जाती है कभी कभी, लेकिन और कुछ भी अच्छी कारें नहीं दिखती हैं यहाँ पर। एक वो सामने की तरफ खड़ी हुई है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, आई थिंक थोड़ी सी सही लग रही है, ये डॉज ही है, नहीं मस्टैंग है ये, ठीक है छोड़ दें इसको, आगे चलते हैं। मस्टैंग काफ़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन मैं उसको ऐसे इग्नोर कर रहा हूँ जैसे भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पहले देख रहे हो हमें याद होगा भाई, ये ट्रक से शुरुआत करी थी हमने, और वही ट्रक यहाँ पर है, और ये ट्रक भाई काफ़ी अच्छे बिक जाते हैं, 2000 कुछ के खरीदो और 6 तक के तो निकल जाता है आराम से, तो काफ़ी फ़ायदा होता है स्टार्टिंग में, अगर किसी को भी स्टार्ट करना है ना पहले ट्रक ही खरीदना भाई, ट्रक काफ़ी सही बिकेंगे। और एक ये रेयर कार खरीदी है छोटी सी, तो अभी हमने ना भाई दो दो रेयर कार खरीद ली हैं, काफ़ी सही हो जाएगा, अगर मैं सोच रहा हूँ इसको खरीद लें वॉक्स वैगन बॉटल, अरे बहुत ही कम की है यार ये तो, चलो कोई बात नहीं इसको ले लेते हैं, इसके मैं लगा देता हूँ 12, अगर ये 12 की मिल जाए तो ले लेंगे, कोई बुराई नहीं है भाई 12 में लेने में, ठीक है। ओके ज़्यादा कम कर दिया मैंने, 16 कर देते हैं, फाइनली 16 में मिल जाएगी बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये भाई साहब 16 में भी नहीं दे रहे हैं अपनी कार को, तो 18 दे दो सर, लास्ट है, इसके बाद तो वैसे भी नहीं खरीदूंगा मैं 18 के बाद तो। ओके फाइनली भाई इन्होंने 18 में इस कार को दे दिया है, इसमें रिपेयर करने के लिए क्या क्या सीन है, अरे पूरी डैमेज पड़ी है, तो बाकी यहाँ स्लॉट खाली है, चलो फटाफट से इसको पहुँचा दिया मैंने। और यहाँ पर एक कार क्या ठुकी पड़ी है, क्या सीन है ये, ठुकी पड़ी है भाई, चलो फाइनली बहुत सारी गाड़ियां खरीद ली हैं। ओके चलते हैं वापस से अपने ऑफिस पर, और उनको सेल वगैरह पे लगा देते हैं जल्दी से, धोवा के साफ ऑफ करा के बढ़िया सा पेंट करा के, ताकि उनके भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए। ओके यार तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा, और इस वाली वीडियो के अंदर भाई हमने कोशिश की थी कि हम 7 लाख तक का बजट पहुंचाएं, लेकिन हम पहुंच गए 11 लाख तक, तो काफी ज्यादा पैसा आ चुका है, और अभी हम कोई सी भी सुपर कार खरीद सकते हैं बड़े ही आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम ले पाएंगे। तो ठीक है यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।